देश के मुखिया राष्ट्रपति, उनकी ताकत, उनके अधिकार, नियुक्ति और उनकी स्थिति को जानने के बाद अब हम आते हैं सरकार के मुखिया की ओर। राष्ट्रपति का अध्ययन करते हुए राष्ट्रपति के बारे में हमने उनकी स्थिति, भारतीय संविधान में उनकी स्थिति को समझने की कोशिश की और अच्छी तरह समझ गए कि राष्ट्रपति देश के मुखिया हैं। लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका है यानी सरकार, वो सरकार की मुखिया कौन होते हैं? सरकार के मुखिया अर्थात प्रधानमंत्री। तो अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, उनके पावर्स के बारे में और उनकी नियुक्ति आदि के बारे में, और साथ ही ये जानेंगे कि प्रधानमंत्री की स्थिति देश में कैसी है, कितने पावरफुल हैं, कितने शक्तिशाली हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, इसके मायने ये नहीं कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। केवल नियुक्त करने का उसको अधिकार है। प्रैक्टिस में या व्यवहार में राष्ट्रपति केवल उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता निर्वाचित किया गया हो। जो लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा उनका नेता निर्वाचित किया गया हो, ये नेता जो है उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना सकते, नियुक्त कर सकते हैं। ये तो हो गई प्रधानमंत्री के नियुक्ति की बात। तो अब बात स्पष्ट है कि बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अब प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए भी उसको स्वतंत्रता नहीं है और मंत्रियों की नियुक्ति के लिए भी वह प्रधानमंत्री के सलाह पर निर्भर रहता है। प्रधानमंत्री ने जिन लोगों के नाम लिख के दिए वही मंत्री नियुक्त किए जाएंगे और राष्ट्रपति उन्हें मंत्री नियुक्त करता है। ये हो गया सामान्य स्थिति की बात जब किसी दल को बहुमत मिला हो या कोई सा गठबंधन बहुमत में हो और एक नेता चुने। गठबंधन क्या है इसको हम अध्ययन कर चुके हैं। अब एक दूसरी स्थिति की बात करते हैं। कल्पना करिए यदि लोकसभा में किसी एक दल को या किसी एक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हुआ हो, अर्थात 545 में 273 या उससे ऊपर किसी दल को ना मिला हो या किसी गठबंधन को ना मिला हो। गठबंधन इतने बहुमत हासिल ना कर पाया हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास वास्तव में शक्ति होती है। राष्ट्रपति के जितनी शक्तियों की हमने बात की उसमें एक शक्ति ऐसी थी जिसका जिक्र करना फिर से आवश्यक है, और वह है अपने विवेक के आधार पर कुछ निर्णय लेने की शक्ति। अपने विवेक के आधार पर, उसमें कोई संवैधानिक कानून रूल्स नहीं दिए हुए हैं लेकिन अपने विवेक के आधार पर। यहाँ पर स्पष्ट बहुमत ना मिलने पर राष्ट्रपति स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिससे उसको उम्मीद है कि वह लोकसभा में बहुमत साबित कर देगा। ख्याल रखें, बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है राष्ट्रपति की। यदि किसी दल को या किसी गठबंधन को बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति फिर अपने विवेक से, अपने सलाहकारों से परामर्श करने के बाद तय करता है कि किस व्यक्ति को मैं प्रधानमंत्री नियुक्त करूं जो जल्दी ही बहुमत साबित करने की काबिलियत रखता हो, और ऐसी स्थिति में वह नियुक्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा संसद के बाहर से भी क्या नियुक्ति की जा सकती है?
राष्ट्रपति द्वारा संसद के बाहर से भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। अब ये आपको याद रखना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि बाहरी व्यक्ति को पद ग्रहण करने के 6 माह के अंदर लोकसभा का या किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। यहाँ राष्ट्रपति के अधिकार हैं और यहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तुलना में थोड़ा भारी पड़ता हुआ महसूस होता है। तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि संसद के बाहर के व्यक्ति को भी वह प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, परंतु बाहरी व्यक्ति जो संसद का सदस्य उस तारीख को ना हो जिस तारीख को उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो नियुक्त होने के 6 माह के अंदर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। अन्यथा यदि ऐसा नहीं कर पाया तो वह व्यक्ति जो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री बना है वह अपने पद से हट जाता है, उसे पद से हटना पड़ता है। ये हो गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की यदि बात होती है तो फिर प्रधानमंत्री की योग्यता क्या? योग्यता वही जो लोकसभा के सदस्य की होनी चाहिए, योग्यता वही जो लोकसभा के सदस्य की होनी चाहिए और साथ ही उसे लोकसभा का सदस्य उस दिन नियुक्ति के दिन या नियुक्ति से 6 माह के अंदर संसद का सदस्य हो जाना चाहिए, लोकसभा नहीं संसद का सदस्य हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये उसकी नियुक्ति के बारे में संक्षिप्त में प्रधानमंत्री के बारे में। अब हम आते हैं उसके बहुत महत्वपूर्ण भाग पर, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। भारत एक संसदीय व्यवस्था वाला देश है, संसदीय प्रणाली की शासन व्यवस्था यहाँ अपनाई गई है और संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री वास्तव में ज़्यादा ताकतवर होता है क्योंकि सारी शक्ति संसदीय व्यवस्था में मंत्री परिषद में निहित होती है जिसका एक हिस्सा प्रधानमंत्री होता है। समस्त शक्तियाँ मंत्री परिषद में, किसकी समस्त शक्तियाँ? शासन की वास्तविक शक्तियाँ। और इस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करते हैं? जो सर्वशक्तिशाली है, प्रधानमंत्री। तो आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री कितना शक्तिशाली होता है। प्रधानमंत्री तो वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है, वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है उसको हम कह सकते हैं एक तरीके से वह मंत्रीगण रूपी तारे, उनका एक चंद्रमा, उनके बीच एक चंद्रमा जो सबको रोशनी देता है, उन तारों को। तो मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की छत्र छाया में एक तरीके से रहता है, प्रधानमंत्री के प्रकाश से एक तरह से चमकता है और इसलिए प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर दिखता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों को हम यदि बांटें तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, जैसा हमने शुरू में समझा। तो पहली भूमिका तो उसकी है बहुमत दल का नेता, और नेता होने के नाते ही वो प्रधानमंत्री बनने की पात्रता रखता है और राष्ट्रपति से नियुक्त करता है। तो पहली उसकी शर्त है बहुमत, पहली उसकी ताकत है बहुमत दल का नेता, और वही सरकार महत्वपूर्ण नीतियों की सदन में घोषणा करती है। नेता होने के नाते सरकार की जो नीतियां हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर यदि चर्चा है तो सदन को उससे अवगत कराने का कार्य प्रधानमंत्री करता है। वार्षिक बजट और इसके अलावा बाकी जो विधेयक हैं उसी के निर्देशानुसार तैयार किए जाते हैं, उसके अनुसार तैयार किए जाते हैं और सदन में उसी के अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश दे सकता है। लोकसभा को किसी कारण से भंग करना हो,
5 वर्ष पूर्व होने पर उसके पहले भंग करने की घोषणा होनी आवश्यक है, जो राष्ट्रपति करता है, पर किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की, अर्थात प्रधानमंत्री की सलाह के बिना राष्ट्रपति नहीं कर सकता ऐसा। ऐसे ही यदि मध्यावधि चुनाव बीच में लोकसभा को भंग करना हो किसी कारण से, किसी विषम परिस्थितियों से, तो प्रधानमंत्री ही सलाह देगा और यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाइंडिंग है, उसके लिए वो बाध्य है कि लोकसभा को भंग करे। तो इस प्रकार ये हो गया लोकसभा संबंधी शक्ति प्रधानमंत्री की। अब दूसरी शक्ति, मंत्रिपरिषद बनाम प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में जैसा मैंने कहा कि वह एक चंद्रमा की तरह है जिसके प्रकाश से मंत्रिपरिषद तारे जैसे चमकते हैं। साथ ही ये भी याद रखें कि प्रधानमंत्री जो है वो एक तरीके से सभी मंत्रियों का प्रधान है। मंत्रिमंडल के संचालन के लिए, मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए, मंत्रिमंडल में एक सामूहिक जिम्मेदारी की भावना लाने के लिए एक व्यक्ति को मुखिया बनाया जाता है, वह है प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री बहुमत दल का ही नेता होगा, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मैंने पूर्व में बताया मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की। अर्थात प्रधानमंत्री ही सदस्यों के नाम तय करता है, सदस्यों के विभागों को भी तय करता है, सदस्यों के मंत्रिपरिषद के जो 3 तरह के रैंक हैं उसमें किस सदस्य को कौन सा रैंक दिया जाना है ये भी तय करता है। मंत्रियों को पद से हटाने की सलाह भी वो राष्ट्रपति को दे सकता है, मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल पर बहुत हावी है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति, पर चयन, विभागों का विभाजन, 3 जो रैंक होते हैं मंत्रिपरिषद में, कैबिनेट रैंक, राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये रैंक देने का कार्य भी, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को हटाने की सलाह भी, और उसके अलावा मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करना, ये उसका मंत्रिमंडल से संबंधित उसके दायित्व हैं, उसकी शक्तियां हैं, उसके पावर्स हैं। तो लोकसभा और मंत्रिपरिषद, ये 2 बातों को जानने पर अब हम आते हैं उसके तीसरे शक्ति पर। एक ओर मंत्रिपरिषद और दूसरी ओर राष्ट्रपति, इसके बीच में सामंजस्य बैठाने का कार्य भी प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री वो कड़ी है जो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को जोड़ती है। प्रधानमंत्री कड़ी है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हुए मंत्रिपरिषद के लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण जानकारियां ये प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को देते हैं, और यह सब होता है संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार। इस अनुच्छेद के अनुसार ही वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सभी कार्रवाइयों से उन्हें अवगत कराता है, और ये उसका कर्तव्य भी है राष्ट्रपति को अवगत कराना, क्योंकि राष्ट्रपति देश का मुखिया है। तो प्रधानमंत्री का दायित्व है मंत्रिमंडल के निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराना। प्रधानमंत्री इस प्रकार राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक लिंक, एक कड़ी का काम करता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति भी यदि कोई सी परामर्श या कोई सा निर्देश देना चाहे तो वह डायरेक्टली मंत्रिपरिषद को नहीं दे सकता, वह ज़्यादा परामर्श प्रधानमंत्री के माध्यम से ही दे सकता है। प्रधानमंत्री ही वो जरिया है जिसके माध्यम से मंत्रिपरिषद की सूचनाएं राष्ट्रपति तक और राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए सलाह या निर्देश मंत्रिपरिषद तक पहुँचते हैं। तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की एक कड़ी। अगली, नियुक्ति संबंधी परामर्श।
हमने पढ़ा राष्ट्रपति के अधिकारों का जिक्र करते हुए कि राष्ट्रपति कितनी सारे पदों में नियुक्तियां करता है, चाहे वो सेना के मुखिया हों तीनों अंगों के, चाहे वे मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश हों, राज्यपाल हों, और इसके अलावा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो, या और भी जो बहुत से विभाग हैं जिसमें राष्ट्रपति नियुक्त करता है, योजना आयोग का अध्यक्ष, रिजर्व बैंक का अध्यक्ष आदि आदि, ये जितनी भी अहम नियुक्तियां हैं मंत्रिपरिषद की नियुक्तियों को छोड़कर, मंत्रिमंडल के या मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति को छोड़कर, बाकी जो अहम नियुक्तियां हैं ये सब नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है, ये हमने पढ़ा। लेकिन राष्ट्रपति के इस अधिकार की सीमा ये है कि वह उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है जिनके नाम प्रधानमंत्री ने दिए हों। इस प्रकार प्रधानमंत्री को चयन का अधिकार है कि वह किन्हें नियुक्त करे, नियुक्त करवाए, और राष्ट्रपति मात्र नियुक्त करता है। राष्ट्रपति की जो भी नियुक्तियां के संबंध में उसे अधिकार प्राप्त हैं, व्यवहार में प्रैक्टिस में हम देखेंगे कि ये सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री के परामर्श से ही हो सकती हैं। प्रधानमंत्री का परामर्श एक तरीके से प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी दी गई ऐसी सलाह राष्ट्रपति को जिसका अनुपालन के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। पांचवा, उपाधि वितरण में राष्ट्रपति को परामर्श। देश में बहुत सारे कुछ उपाधियां दी जाती हैं विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए, जिसमें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जिन्हें हम पद्म अवार्ड कहते हैं, और कुछ अन्य पुरस्कार, साहित्य, संगीत, कला, खेलकूद, इन क्षेत्रों में जो विभिन्न पुरस्कार जो राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से दिए जाते हैं। पर किनको दिया जाएगा ये तय करने का अधिकार प्रधानमंत्री को है। इन सब का वितरण प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति कर सकते हैं, अर्थात यहाँ भी प्रधानमंत्री ज़्यादा ताकतवर हैं। नामों के चयन की बात होती है तो प्रधानमंत्री और उन चयनित व्यक्तियों को अवार्ड या उपाधियाँ आदि देने की बात होती है तो फिर राष्ट्रपति देते हैं, पर असली ताकत किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। छठवां अधिकार क्षेत्र, छठवीं शक्ति, सरकार का प्रधान वक्ता। सरकार का प्रधान है, सरकार का मुखिया है, ये तो हम समझ गए, अब वो सरकार का वक्ता भी है, यानी सरकार क्या करेगी, आगे क्या करने जा रही है, उसकी क्या योजनाएं हैं, क्या सफलता क्या असफलता, उसकी नीतियां, इन सब पर जनता जनार्दन को या राष्ट्रपति को या अन्य विशिष्ट मंचों पर, चाहे वो संसद हो, देश और विदेश की सरकारों से वार्तालाप हो, तो इसमें प्रधानमंत्री ही सरकार की नीतियों का अधिकृत प्रवक्ता बनता है। जब विदेश से बड़े बड़े नेता आते हैं, विदेशी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति से तो मिलते हैं, वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि राष्ट्रपति देश का मुखिया है, लेकिन वह एक सौहार्द रूप मुलाकात होती है। असली जो मुद्दे रहते हैं दो तीन देशों के बीच के, इस पर चर्चा विदेशी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री से होती है, और उनकी जो यात्राएं होती हैं उसका मुख्य उद्देश्य भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात का होता है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री ही आधिकारिक सरकारी प्रवक्ता है, सर्वोच्च स्पोक्स पर्सन। संसद में भी सरकार की नीतियों आदि पर प्रधानमंत्री ही अपने बयान देते हैं, तो इस प्रकार हम सरकार के प्रधान प्रवक्ता के रूप में उसकी भूमिका को समझे। अब हम आते हैं उसकी सातवीं शक्ति, जिसे कहते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं? आपातकाल में हमने पढ़ा राजनीति विज्ञान के अन्य अध्याय में कि हमारे अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। अधिकारों के स्थगन की स्थिति आपातकाल में होती है, और आपातकाल जिन स्थितियों में होता है इसका हमने विस्तार से वर्णन किया, पढ़ा है। अभी हम ये जान लें कि ये जो आपातकाल की घोषणा होती है
वह राष्ट्रपति के नाम से होती है, घोषणा राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन राष्ट्रपति को प्राप्त जो आपातकालीन शक्तियां जो हैं उसका वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। यहां पर भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ज्यादा हावी है। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है पर प्रधानमंत्री की सलाह पर, और ये सलाह जो है ये एक तरीके से उस सलाहों के पालन के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। युद्ध प्रारंभ करने के संबंध में भी, युद्ध को समाप्त करने के संबंध में भी, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में, विजय पराजय और ये सब जो बातें हैं, ये इसका पूरा उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री पर रहता है। यदि देश विजयी हुआ तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होती है, राष्ट्रपति नहीं। सही उत्तरदायित्व तो सरकार पर है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के अंतर्गत आता है उनके मंत्रिमंडल का एक वह सदस्य जिसको हम कहते हैं रक्षा मंत्री, जिसके अंतर्गत तीनों सेनाएं रहती हैं। ये तीनों सेनाएं रक्षा मंत्री के आदेशों पर कार्य करती हैं युद्ध में, और रक्षा मंत्री मंत्रिमंडल का एक हिस्सा है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री है। तो इसलिए युद्ध आदि की स्थिति की सारी जिम्मेदारियां, सारा उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री पर रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपातकालीन शक्ति है। अब आठवीं शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का प्रतिनिधित्व। अभी मैंने आपको बताया कुछ क्षण पूर्व कि विदेशी यदि राजनयिक या विदेशी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष भारत आते हैं तो वह राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात करते हैं, पर असली मुलाकात तो उनकी प्रधानमंत्री से होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रवक्ता है, सरकार का वास्तविक नीति निर्धारक है, नीतियों को बताने वाला व्यक्ति है। उसी तरह विदेश में भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगली शक्ति है अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेश नीति संबंधी निर्णय किनके साथ कैसे संबंध होंगे, संबंधों में कितना उतार चढ़ाव करना है, किन देशों के साथ किस तरह के संबंध रखना है, इस पर अंतिम निर्णय जो है वह प्रधानमंत्री ही लेता है। और अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य विदेश मंत्री जिसे कहते हैं उसके सहयोग से विदेशी मामलों पर नज़र रखता है। कुल मिला के निष्कर्ष ये कि विदेशी मामलों में, विदेश नीति के संबंध में भी अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, संयुक्त राष्ट्र संघ में, क्वाड में, ब्रिक्स में, ये जो कुछ संस्थाएं हैं, G20 में, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, इन मंचों पर भारत का प्रधानमंत्री जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, विवादों को सुलझाने, विदेशों से संधियां, समझौते, ये सब में प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार निष्कर्ष ये कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रधानमंत्री सर्वोपरि है भारत की छवि को प्रदर्शित करने के लिए, और वो उसके लिए जिम्मेदार भी है। सभी तरह के विदेशी मुद्दों पर प्रधानमंत्री की छाप रहती है, उसकी सलाह के बिना किसी तरह के निर्णय, नीतिगत निर्णय खासकर नहीं लिए जा सकते। इसके बाद अंतिम उसकी जो ताकत है, जो दिखाई देती है, वह है चुनाव के मैदान पे। देश में जब आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव अर्थात लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने पर जो चुनाव होते हैं उसे हम आम चुनाव या जनरल इलेक्शंस कहते हैं। लोकसभा के 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद जो चुनाव होते हैं उसे हम आम चुनाव कहते हैं। आम चुनाव में प्रधानमंत्री जो है वो देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में
सामने आता है। प्रधानमंत्री देश को नेतृत्व देता है, देश का जो आम चुनाव होता है लोकसभा के लिए, ये सामान्यतः प्रधानमंत्री के नाम पे ही लड़ा जाता है, राष्ट्रपति के नाम पर नहीं। जनता अपेक्षा करती है कि विभिन्न दल अपने प्रधानमंत्री, संभावित प्रधानमंत्री के नामों को बताएं चुनाव से पूर्व। मंत्रियों के नामों पर उनकी कतई रुचि नहीं रहती, संभावित प्रधानमंत्री कौन होगा ऐसा जनता जानना चाहती है चुनाव से पूर्व, और उसके आधार पे काफ़ी कुछ मतदान होता है, क्योंकि वह जो व्यक्ति जो संभावित प्रधानमंत्री है उसके विचार, उसकी नीतियाँ, उसकी सोच, उसकी योग्यता, उसकी कुशलता, ये बहुत मायने रखती है। आपने जैसा पढ़ा कि उसके पास जो शक्तियाँ हैं, जो 7-8 शक्तियों का मैंने अभी जिक्र किया, वो उसको एक ऑल पावरफुल व्यक्ति बनाती हैं, बहुत ही शक्तिशाली। और क्योंकि सभी दृष्टि से वो बहुत शक्तिशाली है, ये बहुत आवश्यक है कि देश का प्रधानमंत्री सर्वगुण संपन्न हो। देश का प्रधानमंत्री वास्तव में देश का मुखिया हो, और वास्तव में वह देश की सही इमेज सामने रखे। इसीलिए जो आम चुनाव होते हैं उन आम चुनावों में दलों में एक तरीके से एक चिंता रहती है, एक होड़ रहती है कि अपने प्रधानमंत्री संभावित नाम कौन सा जनता के सामने रखें। दूसरे अर्थ में जो आम चुनाव है प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ा जाता है, प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ा जाता है। यदि हम चुनाव की बात करें तो पिछले जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन NDA ने स्पष्ट रूप से श्री मोदी जी का नाम सामने रखा था और स्पष्ट किया था कि जीतने पर बहुमत यदि आप देते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री, तो हम इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये हमारे दल के नेता बनेंगे। ऐसे पूर्व के चुनाव में भी आप देखेंगे कि लगभग सभी बड़े गठबंधनों ने या सभी बड़े दलों ने चुनाव पूर्व ही प्रधानमंत्री, संभावित प्रधानमंत्री का नाम बताया था जनता को। मंत्रियों के नाम में किसी की इच्छा नहीं रहती। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री की अब हम स्थिति, वास्तविक स्थिति अब अच्छी तरह समझ गए हैं, और ये भी समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री जो है उसी के इशारे पर एक तरीके से राष्ट्रपति सब कार्य करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो हैं वो एक तरीके से बौरोड शक्तियाँ हैं, केवल नियुक्ति के, केवल हस्ताक्षर संबंधी कार्य में राष्ट्रपति रहते हैं, अन्यथा सच्चाई तो ये है कि असली पावर जो है वह प्रधानमंत्री के हाथ में है।